खेलकूद में भी अब बहुजन समाज के लोग काफी ज्यादा आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। अवनी लेखरा का नाम तो आपने सुना होगा, पिछले ओलंपिक जब टोक्यो के अंदर हुआ था तब भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन आज एक बार फिर से उन्होंने इतिहास रच दिया और भारत के पैरालंपिक के अंदर दो बार गोल्ड मेडल है वो लगातार जीतने वाली पहली भारतीय ओलंपिक के अंदर खिलाड़ी है, वो एथलीट है, वो बन चुकी है अवनी लेखरा। आज उन्होंने निशानेबाजी के अंदर अनुसूचित जाति समाज से आने वाली अवनी लेखरा ने एक बार फिर से अपना निशाना गोल्ड के ऊपर लगाया। देश का निशानेबाज, भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने आज पेरिस के अंदर हो रहे पैरा ओलंपिक के अंदर निशानेबाजी के अंदर एक बार फिर से गोल्ड जीतने का काम किया है। मिल रही जानकारी के अनुसार अभी तक हम आपको बताएं तो पेरिस ओलंपिक में भारत की निशानेबाज अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया। अवनी लेखरा राजस्थान के अनुसूचित जाति वर्ग से आती है जो कि मेघवाल समाज में जानी जाती है। अवनी पैरालंपिक खेलों के इतिहास में दो स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बन गई है। अवनी लेखरा ने आपको बता दें कि पहली बार टोक्यो 2020 के अंदर स्वर्ण पदक पर कब्जा हासिल किया था। अवनी आपको बता दें कि राजस्थान के जयपुर के रहने वाली है, जयपुर के अंदर ही उनका परिवार यहां पर निवास कर। अवनी लेखरा बचपन के अंदर ही लकवाग्रस्त हो गई थी जिनकी वजह से उनके दोनों पैर है वो काम नहीं करते, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत है वो नहीं आ रही और आज संघर्ष के बलबूते पर देश नहीं बल्कि दुनिया के अंदर अपने आप को स्थापित करने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी। टोक्यो जो पैरालंपिक था उसके अंदर भी उन्होंने वहां पर गोल्ड मेडल जीता था और पेरिस के अंदर ओलंपिक के अंदर भी गोल्ड मेडल जीता। और आपको बता दें कि जब अभी हाल ही के अंदर जब ओलंपिक हुआ था तो उसमें भारत को कोई गोल्ड मेडल नहीं मिला, लेकिन पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा ने आज पहले ही दिन उनको भारत को अपने खाते के अंदर एक गोल्ड मेडल पर निशाना